सोचो, वो लड़की नहीं मिली और सुबह 4 बजे 6 बजे आप कंप्लेन करते हो कि आपका रेप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और मेरे हस्बैंड को पुलिस ले गई और मैं वहां फिर गई। आई वॉज शॉक्ड। ये तो यही हुआ कि हमने लड्डू भी खा लिए और हमने बोला कि हमें तो पता ही नहीं कि हमने लड्डू खाया है। द मेन थिंग इज दैट द गर्ल इज नॉट कमिंग इन फ्रंट। अगर उसको जस्टिस चाहिए, अगर ये सही में हुआ है, इफ शी प्लान्स दैट कि हाँ मेरा रेप हुआ है, तो आज किसी का भी रेप, आप अगर एक बार किसी को थप्पड़ भी मार दो तो बंदा आके 4 लोगों को बोलेगा कि हाँ मुझे इस बंदे ने थप्पड़ मारा है। और अगर उसका रेप हुआ है, देन व्हाई शी इज नॉट कमिंग आउट। और मैं तो हैरान हूँ कि उनकी जो लड़की की मदर है, आई इवन सिंपथाइज विद हर, उनका अभी तक खून नहीं खोला है। कोर्ट हियरिंग बांद्रा में, अगर आज के दिन खुदा ना खास्ता मेरी बेटी के साथ ऐसा होता ना, तो मैं कोर्ट के सामने उस बंदे को देती, मैं कोर्ट जरूर जाती। उसके फैमिली से कोई भी नहीं आया है। No one was किस there. तरीके की फैमिली है? आपके घर में किसी का रेप हो जाएगा तो आप उसको सपोर्ट करने कोर्ट में भी नहीं जाओगे? स्पेशली व्हेन यू आर अ पेरेंट। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग चाचा भतीजा फलाना ढकाना है, पेरेंट की बात कर रही हूँ मैं। फादर का खून नहीं खोला होगा, मदर का खून नहीं खोला होगा, सिर्फ एक कजन सिस्टर है जो रिपोर्ट लिखाने आ सकती है बाकी के 2 दोस्तों के साथ, और वो शान से मीडिया बुला सकती है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया। आप उस इंसान का मेंटल केस सोचो, जो इंसान सुसाइड कमिट करना चाह रहा है, वो आज किस मेंटल स्टेट में होगा जेल में, जब उसने कुछ नहीं किया है। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक फ्लिंग कर लिया उस इंसान ने। कौन नहीं करता है दुनिया में? आजकल तो कमिटेड रिलेशन होने के बावजूद भी लोग दूसरे रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन विलिंगली रहते हैं, शादी के बाद भी रहते हैं। आप लोगों ने ऐसा पिक्चर, मतलब जब से मैंने न्यूज नहीं देखा, मतलब देखा भी है तो मैं शॉक्ड हूँ कि 20 साल से जान रहे हो आप इंदर को, सिर्फ एक लड़की ने स्टेटमेंट दे दिया तो वो अल्टीमेट है बॉस। वो लड़की है, उसको हक है बोलने का। We request Mumbai police specifically to look after the case. किसी की जिंदगी की सवाल है यार। आगे बढ़े।